सबसे पहले आपसे ग्वार के ऊपर ज्योतिष के आधार पर जानना चाहूंगा कि ग्वार में अभी ज्योतिष के अनुसार और टेक्निकल और फंडामेंटल्स के आधार पर कैसे रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्वार में 13,000 के लेवल्स के बाद अब सीधे जो कीमतें हैं नीचे में 9,600-9,700 तक स्तर दिखा चुकी हैं। तो ऐसे में आगे क्या स्थिति बनी रह सकती है ग्वार की? देखिए, ग्वार सीट के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी आपको संकेत दिए थे और दर्शकों से बात की थी, इसके फंडामेंटल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है। और ये भी देखने में आ रहा है कि ग्वार का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट रहा है और उस एक्सपोर्ट के अंदर लगातार इजाफा भी हुआ है, लेकिन कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी काफी तेजी से बाजारों में देखने को आ रही है और कुछ इसमें ग्रुप्स हैं वो भी अपनी विशेष ध्यान रख रहे हैं और उसके अंदर स्पेकुलेटिव कार्रवाई हो रही है, उसकी वजह से कुछ किसानों को और कुछ अफवाहें र्यूमर्स भी काफी तेजी से सुनने में आ रही हैं। कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं कि बहुत तेजी है, कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं बहुत मंदी है और अलग अलग बात अलग अलग है। लेकिन जहां तक फंडामेंटल का सवाल है, जहां पर बात आ रही है कि एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल के बनस्पत यदि हम देखें तो ग्वार गम का एक्सपोर्ट काफी बड़ा है और ग्वार गम के साथ साथ जो ग्वार के गम के एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं उसके अंदर भी बड़ा इजाफा हुआ है, लगभग 55% बढ़त की उम्मीद हो रही है। यदि हम थोड़ा प्रसाइज देख लें तो चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर में सन 2021 में ग्वार गम का निर्यात 1.27 लाख टन से बढ़कर 1.85 लाख टन पहुंच गया है और लगभग $77 की बढ़ोतरी ग्वार गम में दर्ज हुई है। ये पहले $1,117 से बढ़कर $1,188 प्रति टन तक पहुंच गई है। और इसके अलावा ग्वार गम का निर्यात 2020 में जो 1,061 करोड़ का था और 14.20 करोड़ की कमाई दर्ज हुई थी सन 2020 में, जबकि सन 2021 में ये लगभग 50 से 55% बढ़कर ₹1,631 करोड़ और $22 करोड़ तक पहुंच गई। तो अब ये आंकड़े जो हैं ये सरकार द्वारा रिलीज किए गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं इन डाटा पे विश्वास करूं। दूसरी चीज, ग्वार सीड का जो रकबा है इस बार पिछले सालों के में लगातार घटता चला गया है, रिक्वायरमेंट इस साल बढ़ के आई है और उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। और ये भी एक गौरतलब है कि अच्छा ग्वार की क्वालिटी बाजार में बहुत कम उपलब्ध है, काला ग्वार जरूर उपलब्ध है लेकिन उसकी क्वालिटी हल्की मानी जाती है। तो कुल मिला के ग्वार के अंदर मेरा आकलन तो यही है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो भी अच्छी है बुरी जैसी भी हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और यहाँ पे तेजी ही बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि आज ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में तेजी से इनकार नहीं किया जा सकता है, ग्वार गम और ग्वार सीड में आज तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट्स में भी लगातार हम तेजी देख ही रहे हैं, हालांकि जो प्रोडक्शन है पहले के मुकाबले लगभग आधा बताया जा रहा है और वायदा में थोड़ी स्पेकुलेशन भी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्वार की वायदा बाजार में देखने को मिल रहे हैं। वहीं हाजिर में ज़्यादा आवकें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में एक हल्की नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन कर्नल अजय जी के मुताबिक और ज्योतिष के आधार पर आज ग्वार गम और ग्वार सीड में मजबूती की संभावना बनती नजर आ सकती है। और वैसा हम वायदा में होता हुआ देख भी रहे हैं कि वायदा बाजार में आज ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में एक बढ़त बनती नजर आ रही है।